पर्यटन के मामले में भला गोवा को कैसे भुलाया जा सकता है। अपने सुंदर बीच, गिरजाघरों और प्राकृतिक सौंदर्य के लिए यहाँ भारत और दुनिया भर से सैलानी सैकड़ों की तादाद में आते हैं। इन्हीं जगहों में मशहूर है अगवाड़ा किला। मांडोवी नदी और अरब सागर के संगम में मौजूद इस किले में कई व्यापारियों और यायावरों की दास्तानें मौजूद हैं। मगर क्या आप जानते हैं ये किला पुर्तगालियों के शासनकाल के बाद आज भी सक्रिय है? अगवाड़ा किला गोवा की राजधानी पंजिम से 16 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है। इसका निर्माण स्थायी लैटराइट पत्थर द्वारा एक पहाड़ी पर इस तरह किया गया था ताकि इसकी दीवारों को लांघा ना जा सके। ये किला पुर्तगालियों के शाही इतिहास का गवाह रहा है। मगर ये किला किस तरह भारतीय इतिहास का अभिन्न हिस्सा बना, चलिए आपको इस ऐतिहासिक किले से जुड़ी कुछ दिलचस्प पहलू के बारे में बताते हैं। अक्सर ये सवाल सामने आता है कि सन 1510 में गोवा कब्जाने के बाद अगवाड़ा किले के निर्माण में भला पुर्तगालियों को एक शताब्दी का वक्त क्यों लगा। वजह ये थी कि यूरोपीय और स्थानीय शक्तियों के खिलाफ अपनी सुरक्षा के लिए पुर्तगालियों ने तिरकोल, रचोल और चपोरा किलों का निर्माण किया तो था, मगर 17वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में जब हिंद महासागर में डच अपना शिकंजा कस ही रहे थे, तब उन्होंने गोवा पर न सिर्फ हमला बोला बल्कि उसके कुछ बंदरगाहों की नाकाबंदी भी की, जिसके कारण अगवाड़ा किले का निर्माण करना पड़ा। इस किले का निर्माण बड़े पैमाने पर किया गया था, जो हिफाजत और जहाजों को ठहराने की सुरक्षित जगह के साथ साथ उनके पथ प्रदर्शन के लिए एक महत्वपूर्ण चिन्ह भी हुआ करता था। किले के नाम को अगवाड़ा रखने के पीछे एक खास वजह है। ये नाम अगवा शब्द से आता है, जिसका अर्थ है पानी से भरा। इस किले के भीतर और आसपास कई जलाशय थे और यहाँ एक विशाल कुआं भी था जहाँ से नाविकों को पीने वाला पानी मिलता था। कई लोग आज भी ये नहीं जानते कि ये किला पूरे एशिया में मीठे पानी के बड़े जलाशयों में से एक गिना जाता था, जिसमें 10 लाख लीटर पानी को संग्रहित रखा जाता था। भले ही पुर्तगालियों ने अगवाड़ा किले का निर्माण डच और मराठों से अपनी सुरक्षा के लिए बनवाया हो, मगर दिलचस्प बात यह है कि इस किले के निर्माण के लगभग 360 साल तक इसका इस्तेमाल किसी भी सैन्य कार्यवाही में नहीं हुआ था। वजह यह थी कि किले का क्षेत्र इस कदर विशाल था जहां करीब 200 तोपे तैनात थे और यहां तक गहरी खाई भी थी। शायद ये एकमात्र ऐसा भारतीय किला होगा जिसको आज तक किसी भी तरह की कोई क्षति नहीं पहुंची। उन्नीसवीं शताब्दी के मध्य में एकांत इलाके में होने के कारण अगवाड़ा किले के निचले भाग को एक कैद खाने में तब्दील किया गया था, जहां पर पुर्तगालियों के खिलाफ चल रहे स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान त्रिस्ताओ ब्रिगेंजा कुन्हा और राम मनोहर लोहिया समेत कई स्वतंत्रता सेनानियों को कैद किया गया था। सन 1961 में गोवा की स्वतंत्रता के बाद ये सन 2015 तक एक सरकारी कैद खाना रहा, जहां पर नशीले पदार्थों और तस्करी से जुड़े मुजरिमों को हिरासत में रखा जाता था। आज ये एक पर्यटन स्थल है जहां गोवा की आजादी के लिए हुए संघर्ष को लोग आज पुनर्जीवित होते देख सकते हैं। अगवाड़ा किले का एक हिस्सा आज ताज ग्रुप के साथ भी है, जिन्होंने यहां पर गोवा का पहला लग्जरी होटल बनाया और आज ये भारत के सबसे मशहूर होटलों में गिना जाता है। आज कई फिल्मों, सीरियल और कार्यक्रमों का हिस्सा बन चुका अगवाड़ा किला पुर्तगालियों के सैन्य और स्थापत्य कौशल के मिश्रण के बेहतरीन उदाहरण के तौर पर मौजूद है, जो यहाँ आए हर सैलानी को अपने सुनहरे अतीत की यात्रा पर ले जाता है।